Western, coastal plain. Western coastal plain जो है, ठीक है, इसमें important चीज क्या है समझिएगा, ठीक है. It is between, जैसे कि आपको मैंने क्या बताया कि sandwich, तो समझते हो मेरी बात बेटा, in between, जब दो चीजों के बीच में कोई चीज है, ठीक है. तो सेम सी बात है, यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, ठीक है, जो गुजरात, इस तरीके से गुजरात के बाद ऐसे करके जा रहा है ना, ये इस तरीके से ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ठीक है. मेरा ड्राइंग थोड़ी बहुत बुरी है, इसीलिए मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, अभी वेट करो थोड़ा, ड्राफ्ट में समझा दूँ, ठीक है. तो उसके बाद आपका जो अरेबियन सी और उसके बाद जो वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, जो आपके वेस्टर्न घाट्स मैंने बताए थे पेनिनसुलर एरिया में, ठीक है. दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स और ये वेस्टर्न घाट्स है और ये आपका वेस्टर्न कोस्टल पार्ट है, सैंडविच मतलब बिटवीन है अरबी अरेबियन सी जो है. याद रखिएगा अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप है, ठीक है. और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में क्या है बेटा आपका, इंडिया के पास टू आइलैंड्स है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार. तो ए भी याद रख लीजिएगा, ऐसे याद रख लीजिए, ए फॉर अंडमान, बी फॉर बे ऑफ बंगाल, ठीक है. अरेबियन सी, ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा लक्षद्वीप, ठीक है. चलिए आगे हम लोग करते हैं. नेक्स्ट इज कि आपका जो वेस्टर्न कोस्ट जो है इसमें कौन कौन से एरिया है, ठीक है. देखिए इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो नॉर्दर्न पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल पार्ट को कहा जाता है कोंकण, ठीक है. कोंकण सुना आपने, कोंकण रेलवे भी सुना होगा, एक लार्ज जो बहुत फेमस कोंकण रेलवे जो है उसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रिजेस आर देयर. कोंकण रेलवे अगर आपने सुना है तो उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रिजेस आर देयर, ठीक है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कह सकते हैं उसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है कोंकण रेलवे का, ठीक है. तो कोंकण इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ठीक है. और इट इज लाइक मुंबई एंड गोवा वाले पार्ट की बात है, ठीक है. और जो बीच का पार्ट है, जो सेंट्रल स्ट्रेच है, जो बीच में है, ठीक है, उसको कहा जाता है बेटा आपका कन्नड़ प्लेन. कन्नड़ प्लेन जैसे आप डिवाइड ऐसे लिख सकते हो उसको, अपने हिसाब से डायग्राम बना सकते हो. दिस इज योर अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है. उसके बाद आपका यहाँ पर आ रहा है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है. सैंडविच की जो आलू टिक्की है ना, सैंडविच होता है ना, सैंडविच होता है ना, सैंडविच देखा है ना, सैंडविच होता है तो उसके बीच में जो आलू टिक्की है, दैट इज वेस्टर्न कोस्टल एरिया. ऊपर से नीचे से जो बर्गर समझ लीजिए, बर्गर में जो आलू टिक्की और मसाला वाला पार्ट है वो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, ठीक है. और बाद में दोनों साइड जो है ब्रेड है, ठीक है, अरेबियन सी और यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स. तो इनके बिटवीन में जो है वो वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ठीक है. तो अभिनव दिस इज हाँ नोट कर लो बेटा, ठीक है. तो इसके नॉर्थ में जो है वो मैंने बताया कोंकण, ठीक है, कोंकण बताया, ठीक है. बीच में जो मिडिल है उसमें मैंने कन्नड़ बताया, कन्नड़ रीजन, ठीक है, या कन्नड़ प्लेन कह सकते हैं इसे, कन्नड़ प्लेन, ठीक है. एंड लास्ट में आपका आता है मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट जो साउथ में है, ठीक है. और उसमें क्या था बेटा, नॉर्थ और साउथ था, जिसमें नॉर्थ में मैंने आपको बताया था सिरसा एंड लास्ट में साउथ वाले में था कोरोमंडल. बैच वन नहीं है, बैच थ्री है, हाँ जी, मालाबार कोस्ट, ठीक है. इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट आप चाहो तो नोट कर सकते हो और अच्छे से स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है आपका आइलैंड्स, लास्ट जो पार्ट है द आइलैंड्स, ठीक है. आइलैंड्स जो है इज अ पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंट लैंड, ठीक है, क्योंकि सराउंडेड बाय वॉटर. आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, बेसिक ज्योग्राफी की टर्म पढ़ी होंगी फिफ्थ क्लास में, तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि आइलैंड्स क्या होते हैं. आइलैंड्स आर द सब कॉन्टिनेंट पार्ट, ठीक है, जो क्या होते हैं ऑल साइड से वाटर जो है उसके सराउंडिंग में होता है, ठीक है. हमारे पास दो फेमस आपके आइलैंड है, लक्षद्वीप, ठीक है, एंड एक अंडमान, ठीक है. और अंडमान एंड निकोबार को भी दो कैटेगरी में एक्चुअली डिवाइड किया है. अंडमान नॉर्थ में आता है, निकोबार साउथ में आता है. इनके कैपिटल्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ये लो माधव, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है, ठीक है, इसको पहले जो तीन उसमें छोड़े होते हैं, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय एंड आई मीन देयर डाइट,
चलिए मैं बताए लिखवाई दूंगी, कोई बात नहीं। आइलैंड्स में जो कोरल रीफ सुना आप लोगों ने, कोरल रीफ क्या होता है? एनिमल इन द क्लास कोरल वर्ड होता है कोरल रीफ। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है चैट फर्स्ट डन कर देते हैं। हाँ जी बताओ मयंक क्या होता है कोरल रीफ? द लाइफ बोलो जब मैम, जो कोरल रीफ, आवाज नहीं आ रही अभी मैम, जो कोरल रीफ होती है मैम, वो होती है ना मैम जो लाइक मैम बे पे जो वो एक पौधे पौधे से उगते हैं मैम, वो उसको। देखो कोरल रीफ अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो एक्चुअली जो एक्वेटिक लाइफ है ना उसमें जो कोरल मतलब जो 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 उनका प्लांट्स एरिया है, जो ग्रीनरी ऑफ द एक्वेटिक लाइफ की ग्रीनरी को एक्चुअली कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे आपको वीडियोस मिलेंगे कोरल रीफ पे, बड़ा सुंदर सा व्यू होता है उनका। ठीक है, तो अभी लॉन्गेस्ट कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ है ना। अब यहाँ पर जो है ये जो लक्षद्वीप पे है, ठीक है, ये एक्चुअली स्मॉल कोरल रीफ का एक ग्रुप था, ग्रुप है मतलब। ठीक है, इसको पहले ना तीन पार्ट्स में था। ठीक है, हाँ जी, तो उसमें डिवाइड तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो पहले इसको बोला जाता था लक्षद्वीप, लक्षद्वीप उसी से तो बना लक्षद्वीप। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद मिनिकॉय, मिनिकॉय एंड एक है आपका अमिनदीव, अमिनदीव। ठीक है, और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार इज द मेजर आइलैंड। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार के अंदर आपका जो अंडमान है, ध्यान से सुनिएगा, अंडमान इज इन द नॉर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, और निकोबार इज इन द साउथ, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साउथ में ये दोनों ही जो है, अंडमान का हम बात करते हैं नॉर्थ में और निकोबार की बात करते हैं साउथ। ठीक है, और ये आइलैंड्स जो है वो क्लोज टू द इक्वेटर है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।